सबसे पहले टैंकी में जितना पेट्रोल है वो निकाल लेगा। खींचने नहीं आता ना हमको, खींचने नहीं आता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। बाइक से जितना पेट्रोल बचा हुआ था वो निकाल लिया। एम्प्टी है, ब्लिंक मार रहे और कुछ इतना निकले, 3 3 लीटर जैसे निकले। अभी ये 1 लीटर जैसे हाथ में लेके जाएगा और एक खाली बोतल लेके जाएगा, वो पेट्रोल पंप में 1 लीटर फिलअप करेगा। उसके बाद वैसे बाइक रनिंग हो चुका है अराउंड 15,043 किलोमीटर। सो अभी बाइक में कुछ पेट्रोल तो बचा है, वैसे जितना निकाल सकता था निकाल दिया। अभी कुछ तो बचा हुआ है पेट्रोल, वो उसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेट्रोल पम्प जाएगा, वहाँ से एग्जैक्ट 1 लीटर भरी है। उसके बाद ये जहाँ ख़त्म होगा वहाँ मीटर मीटर जीरो करके वहाँ से माइलेज चेक करेगा। एग्जैक्ट 1 लीटर है, बीच में स्पीड कहीं स्लो और फिर से स्पीड ऐसे ही करेगा, तब जाके एग्जैक्ट माइलेज से तो मिलेगा। और बस पेट्रोल ख़त्म होने का देर है, पेट्रोल जैसे ख़त्म होगा 3 मीटर जीरो कर देगा, उसका पेट्रोल रिफिल कर देगा। सो फाइनली बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। अभी 10 किलोमीटर आगे आने के बाद, नहीं 7 8 किलोमीटर आगे आने के बाद फाइनली पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। अभी वार्निंग तो दिया है, हाँ ख़त्म हो रहा है शायद। ख़त्म हो गई शायद पेट्रोल। ख़त्म हो गई क्या फाइनली? ख़त्म ज़्यादा नहीं करते रहेगा, एफ आई है तो इंजेक्टर में चोट मिलेगा इसको। तो यहाँ 1 1 लीटर रिफिल करते हैं। चलो ठीक है, तो 1 लीटर रिफिल कर देते हैं हमें, ये 1 लीटर। चलो घुसो, थोड़ा सा गिर गया। ट्रिप 1 0, ट्रिप 2 0, ट्रिप वन और 2 दोनों 0 है। सो जब इसका पेट्रोल ख़त्म होगा तब मालूम चलेगा कि माइलेज कितना एग्जैक्टली निकला है। तो बाइक फाइनली ट्रिप 1 में 18.2 किलोमीटर चला चुका है। और वैसे अभी बहुत और भी बहुत बाकी है, ऐसे अभी ना जल्दी ख़त्म तो नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है अराउंड 40 तो देना चाहिए बाइक का। सो काफ़ी इकोनॉमी में आ रहा था आते समय, अराउंड 70 to 80 का स्पीड में आ रहा था। वैसे बाइक का इकोनॉमी 75 तक जाता है, तो 75 80 तक आ रहा था। तो अभी जाते वक्त थोड़ा सा स्पीड चलाएगा, रश करेगा, अराउंड 100 से ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा। तो अभी
100 एक्चुअली 100 छू नहीं रहा है, 100 छुआ है लेकिन 100 से अबव नहीं जा रहा है। तो अभी ब्रेक करेगा, ये स्पीड ब्रेकर के बाद स्ट्रेट पॉइंट में करेगा, डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट करेगा। और वैसे हम लोग डबल आदमी है तो इतना अच्छा स्पीड नहीं मिलेगा होगा शायद। तो वन सेकेंड वापस ट्राई करते हैं। तो अभी 33.7 किलोमीटर हो चुका है, तो लग रहा है कि थोड़ा जल्दी ख़त्म होना चाहिए क्योंकि बहुत झाड़ है यार। गाड़ी का नंबर प्लेट उड़ा हुआ है यार। फाइनली बाइक 40 प्लस माइलेज दे चुका है यार, और कितना देगा यार। अपना हिमालय में भी थोड़ा सा और मिल जाता तो मज़ा आ जाता यार। भाई इसका माइलेज तो वैसे बढ़िया है, पता है, ऑलरेडी पता था कि 40 प्लस होने वाला है, लेकिन अभी 50 हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 50 से पहले ख़त्म हो जाए वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी आगे तक लेके आ चुका है। काफ़ी हार्ड शेडिंग भी किया है, दो बार तीन बार हम टॉप स्पीड इसका चेक कर चुके हैं, और भी डबल डबल इंसान बैठ के दो बार तीन बार टॉप स्पीड इसका चेक कर चुका है, जो कि 110 छू चुका है। उसके बाद अभी पता नहीं तेल कब खत्म हो गए। बाइक फाइनली 45 में झटका लेना शुरू कर दिया आफ्टर 45 किलोमीटर तक चला लिया था वैसे। अभी दो बार स्पीड टेस्ट करने के बाद, टॉप स्पीड टेस्ट करने के बाद 45 में झटका दे चुका है बाइक। वैसे अभी सेल्फ दे रहे, सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रहे, लेकिन अभी वापस सेल्फ लेने से वापस बाइक जाएगी ये तो पता है। ओके, ज़्यादा सेल्फ नहीं मारते होगा। और फाइनली माइलेज है 45.5 किलोमीटर, काफ़ी अच्छा माइलेज है आफ्टर दो बार स्पीड टॉप स्पीड टेस्ट करने के बाद भी 45 का माइलेज दिया है वो, जो कि बहुत अच्छा माइलेज है भाई। कितना एक्सपेक्ट किया था वैसे मिलने से? 40-45 बस उतना ही मिला वैसे, 45 का माइलेज मिला है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है। अगर ये बाइक 60-70 में चलते रहता तो अराउंड 50 तो क्रॉस कर लेता है माइलेज में। फाइनली पेट्रोल भर दिया, अभी रूम तक पहुँचने के लिए। तो 45 माइलेज काफ़ी अच्छा था वैसे, अगर ड्रेक नहीं किया था तो अराउंड 50 से क्रॉस होना था। 55 मेरा ख्याल से 55 तक तो दे जाना था। सो अभी आप सबको माइलेज तो मिल ही चुका होगा 45.5 किलोमीटर। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो माइलेज तो अभी यहाँ में निकल के आ चुका है वैसे, वापस आपको दिखा देगा। 45.5 किलोमीटर, ये है ट्रिप मीटर 1, और ट्रिप मीटर 2 में भी देखिए आप 45.5 किलोमीटर। सो वीडियो यहीं एट दिन कट है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टाटा।